वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो चलिए जी, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बनाई थी मटन बिरयानी। तो इसके लिए मैंने ऑलमोस्ट सारे प्रिपरेशन डन कर लिए थे, एंड ये छोटे मोटे काम थे जो मैं करना भूल गई थी, तो वो सब मैं यहाँ पे कर रही थी। तो आज मैं हम फुल ऑथेंटिक मटन बिरयानी बनाएंगे, और इसकी मैं प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बताते चलूँगी। तो आप लास्ट तक बने रहें, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे आपको बताती रहूँगी। तो यहाँ पे मैंने पोटैटो को बॉईल कर लिया था, इसमें फूड कलर एंड सॉल्ट डाल के मैं इसे बॉईल करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ऑयल को हीट करा, फिर उसमें मैंने डाला मटन एंड इसे हम स्टर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर भुनने के बाद इसमें हम डालेंगे अनियन, जो मैंने 5 से 6 अनियन लिया था, इसे चॉप करा अच्छे से, एंड देन इसको अच्छे से पकाएंगे। यहाँ पे आप यहाँ पे सॉल्ट डाल के उसके अच्छे से थोड़ी देर पका ले। तो यहाँ पे ऐड हो रहा था इसमें मसाले वगैरह, तो यहाँ पे हमने डाला था 3 से 4 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/2 टी स्पून क्यूमन एंड ब्लैक पेपर पाउडर, 1 1/2 टी स्पून चिली पाउडर, एंड 2 टेबल स्पून हमने डाला था इसमें कोरिएंडर पाउडर। इसमें जाएगा सॉल्ट, दैट्स इट। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसे ढककर पकाएंगे जब तक ये अच्छे से पक ना जाए। ये मटन थोड़ा सा टाइम लेता है, अदरवाइज चिकन बहुत जल्दी बन जाता है। तो हम पहले चिकन में अनियन को ब्राउन कर लेते हैं, तब चिकन डालते हैं, इसमें दोनों साथ साथ ही जाएगा। और इसकी करेंगे हम अच्छे से भुनाई। आप इसे वाटर ऐड करके इसमें इसे लो फ्लेम पे ढक के छोड़ दें। ये भी बहुत ही सिंपल ही बनता है, थोड़ा सा प्रोसेस हल्का सा चेंज है चिकन से। तो यहाँ पे मैंने चिली पाउडर यहाँ पे ऐड किया था, आप लोग तो जानते ही, हमें थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए होता है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा चिली पाउडर ऐड करा, अदरवाइज़ आप चिली वगैरह अपने से एडजस्ट कर लें। तो यहाँ पे मैं स्नैक रेडी कर रही थी, हमारे घर कोई आया था, तो कोई नहीं, आई मीन रिलेटिव में ही कोई आया था, मैंने देखा नहीं था, सिर्फ मेरे को पता था कि मुझे स्नैक रेडी करना है। साथ में मैंने टी बनने के लिए भी रख दिया था, एंड साथ साथ मैं अदर काम भी कर रही थी। तो ये हमारे घर पे हमेशा कोई ना कोई आते रहता है, और अदरवाइज़ अच्छा भी लगता है, हमारा सबसे मिलना हो जाता है, किसी से हम ज़्यादा दिन पे नहीं मिलते, सबसे मिलना हो जाता है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बात है, ये हमें तो बहुत खुशी होती है हमारे घर कोई आता है तो। तो यहाँ पे मैंने जो बिरयानी मसाला मैंने तैयार करा था वो मैंने ऐड करा इसमें, ये थोड़ा सा लेट ऐड होता है इसमें, आप पहले भी ऐड कर सकते हैं, ये डिपेंड आप पे करता है। एंड इसे हम इसके बाद, ये ऑलमोस्ट डन हो गया था, इसके बाद हम थोड़ा सा इसे पकाएंगे एंड स्टोव को बंद कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अभी योगर्ट भी ऐड करना था, जो मैं इसी स्टेज पे डाल देती हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा वाटर मिक्स किया था एंड इसे इसमें डाल दिया था। मैं यहाँ पे पोटैटोस को फ्राई कर रही हूँ, मैं इसे हल्का गोल्डन फ्राई करूँगी। हमारा बिरयानी पोटैटोज़ के बगैर अधूरा है, हमारे सब बिरयानी में पोटैटोज़ आ जाते हैं, हमें अच्छा लगता है, इसके बगैर बिरयानी अधूरा लगता है। तो यहाँ पे मैंने राइस को भी धोकर सोक करने रख दिया था,
एंड हमारा राइस भी डन हो गया था अच्छा खासा। तो आप राइस को ना 80% कुक करें, ये दम में कुक होता है तो उसका टेस्ट अलग आता है। आप इसकी साइज़ चेंज कर दें एंड इसे निकाल दें, इसे ज़्यादा डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो पूरे कुक हुए रहते हैं। यहाँ पे हमारा सालन भी रेडी हो गया था एंड साथ में राइस भी रेडी हो रहा था। तो ऐसे ही हम करके अपना सारे पोटैटोज फ्राई कर लेंगे। आप इसे साइड चेंज करें एंड इसे निकाल दें, इसे ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं राइस को। तो यहाँ पे मामा डेयरिंग कर रही थी, उस टाइम का ये वीडियो है। हम राइस को 80% ही कुक करते हैं, बाकी दम पे कुक हो जाता है, उसका टेस्ट अलग ही आता है। तो यहाँ पे हमने डाला अपना सालन, ऊपर से पोटैटोज एंड देन हम राइस डालेंगे। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी के ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। एंड देन अगेन हम अपना डालेंगे अब सालन एंड ऐसे ही करके हम अपना लेयरिंग पूरा करेंगे। ये भी बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बन के रेडी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। मैंने इसमें फ्राइड अनियन वगैरह नहीं ऐड करा था, हम कभी कभी ही ऐड करते हैं हमें जब मन करता है तब, अदरवाइज़ हम इसमें ऐड नहीं करते। तो यहाँ पे हमने ऑयल डाला, ऊपर से घी डाला एंड देन ये रेडी है एंड फूड कलर आल्सो एंड ये दम पे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है। आप इस पे आप अपने मर्ज़ी के से फ्राइड अनियन वगैरह डाल सकते हो, लेयरिंग कर लो अपनी मर्ज़ी से, आपको जैसा भी करना हो। एंड देन यहाँ पे हमारा बिरयानी बिल्कुल रेडी हो गया था एंड इसके बाद हमने करा था अपना लंच, ये था फाइनल लुक। तो मैं यहाँ पे जा रही थी अपना लंच करने और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफि।